प्रदेश में अपराधी बेखौफ होकर अपराध को कारित करने का काम कर रहे हैं और सरकार सुस्ती भरी निगाहों से देखने का काम कर रही है। प्रदेश के नए मुखिया की घोषणा हो चुकी है, नए मुखिया 2-4 दिन के अंदर अपना कार्य ग्रहण करेंगे, लेकिन मुखिया जी से हमारा यही आग्रह है कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को बनाए रखने का आप काम करें। बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था और जयपुर शहर राजस्थान की राजधानी, इस राजधानी के अंदर विगत 10 महीनों के अंदर 7 डकैती हो जाए, विगत 1 साल के अंदर लगभग 119 लूट की वारदातें हो जाए और उसके बावजूद भी पुलिस हाथ पे हाथ धरी हुई बैठी देखती रहे, मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर कानून का राज नहीं जंगल के राज की स्थापना हो चुकी है। और अब धीरे धीरे राजस्थान के अंदर अपराध बढ़ रहा है, अपराध की अंकुश लगाने का रोडमैप सरकार के पास कोई नहीं है, सिर्फ सरकार वोट बैंक की राजनीति करने का काम कर रही है। इसलिए समय रहते अपराध के ऊपर अंकुश नहीं लगाया तो इस बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को सुधार पाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा।